नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा खजूरिया धारकला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आपको ले चलते हैं गांव फागली टीका धलोड़ में, जहां पे लगभग 250-300 मीटर जो रोड है मंडी बोर्ड विभाग के अंतर्गत, उस रोड को वह रोड नहीं बन पा रहा और उस रोड के ना बनने से वहां पे धलोड़ के जो निवासी हैं, नियर अबाउट 12-13 घरों में रहने वाले जितने निवासी हैं वह सारे उस रोड की वजह से परेशान हैं और उन्होंने उस रोड को बनाने के लिए उग्र रूप से प्रशासन व मंडी बोर्ड विभाग से एक मांग की है, एक विनम्र निवेदन भी किया है कि वह उस रोड पर, उन्होंने जबकि ठेकेदारों ने उस रोड पर कंक्रीट जो है वो डाल दी है लेकिन जो तार पोल है वो लुक है वो अभी तक नहीं पड़ी। लोगों ने विनम्रता से वह निवेदन करते हुए मंडी बोर्ड को और प्रशासन से ये निवेदन किया है कि उस रोड को जल्द से जल्द बनाएं। आइए इस संबंध में देखते हैं एक छोटी सी। हाँ जी अंकल, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो अपना ये जो रोड है अभी ये बंद पड़ा हुआ है, इसका काम ये कब से शुरू हुआ था? सबसे पहले इस पे जो लुक थी वो कब पड़ी थी? अच्छा, तो उसके बाद फिर पड़ी लुक? दो बार दे दो। अच्छा, तो उसके बाद आज तक ये काम बंद पड़ा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो आइए इसी। तो दोस्तों, ये अब आपके सामने ये सुभाष जी खड़े हैं, सुभाष जी से भी यही प्रश्न पूछेंगे कि सुभाष जी, ये जो रोड है, ये जितने भी हमारे यहाँ पे बुजुर्ग खड़े हैं इनके संदर्भ में तो वार्तालाप आपकी होती होगी, तो ये क्या कहते हैं, ये कब से रोड बना हुआ? ये रोड बना है कम से कम लगभग 1972 में। ठीक है। जो पहले हमारे सरपंच जी करमचंद जी हुआ करते थे कि बोल रहे थे कि हमारा रोड जो 1972 में बना है, उसके बाद इसकी लुक पड़ी है सन 80 के आसपास इसकी लुक पड़ी है और तीन बार उसके बाद इसके ऊपर लुक पड़ गई है। ठीक है। तो अभी इसका काम बंद है, हम यही मांग करते हैं कि सरकार से कि ये हमारा रोड बंद क्यों है, जो कि इसमें तीन बार लुक पड़ चुकी है, हमारे को आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है कि हमारा रोड जल्द से जल्द बनाया जाए। लास्ट जब समय था वो लास्ट कब तक लुक पड़ी है? लास्ट समय में लास्ट कम से कम 2005 और 6 के बीच में हुआ है। अच्छा। इसका काम उसके बाद का बंद है, कम से कम इसको 10-12 साल हो गया जो बंद पड़ा है इसका काम। तो इसके संबंध में मंडी बोर्ड विभाग से आपकी कोई वार्तालाप हुई कभी? हाँ जी सर, एक बार अभी जय सर और SDO सर मंडी बोर्ड से आए हैं, वो चेक करके गए हैं, इसमें देख के गए हैं कि इसमें लुक पड़ी है जानी पड़ी है, वो मौका करके गए हैं, तो बोल रहे हैं कि आगे इसकी आवाज़ उठाओ और इसका काम होएगा। ठीक है। तो ये इसके संबंध में ये जितना भी महिला है, ये मातृशक्ति भी यहाँ पे खड़ी हैं और ये बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे, और लगभग इनके कहने के मुताबिक कम से कम 20-25-30 बच्चे जो हैं इसी रोड के माध्यम से स्कूल जाया करते हैं, और इन सभी की प्रशासन से और जो राजनीतिक दलों के जितने भी नुमाइंदे हैं उनसे ये गुजारिश है, इनकी तरफ से गुजारिश है कि इस रोड को, ये जो लगभग 200-250 मीटर रोड जो रहा है जिसके ऊपर अभी लुक नहीं पड़ी, तो इन्होंने प्रशासन से उग्र रूप से ये अपना प्रार्थना की है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। धन्यवाद।